आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। आज बरोज रविवार कोलकाता के मोमिनपुर मोड़ डायमंड हार्बर रोड के करीब बेहला गुरुद्वारा युद्ध की जानिब से सिखों के पांचवें गुरु हिंद के चादर गुरु अर्जन देव जी की शहादत के मौके पर राह चलते लोगों को शरबत पिलाया गया। इस मौके पर तमाम मजाहब के लोगों ने एक साथ मिलकर सिख भाइयों के साथ लोगों को शरबत पिलाई और पूरे हिंदुस्तान में भाईचारे की मिसाल पेश की। दोस्तों आपको बता दूं कि गुरु अर्जन देव जी सिख समुदाय के पांचवें गुरु थे। इन्होंने 1588 में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी जो कि 1601 में जाकर पूरा हुआ था। आपको यह भी बता दूं कि गुरु अर्जन देव जी ने अपने भाई गुरुदास जी के साथ आदि ग्रंथ का भी संकलन किया था। और क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम के सिलसिले में ऑर्गेनाइजर्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, पहले आपको सारे दर्शकों को हमारे यहाँ पे कुछ दिन पहले पांचवें गुरु सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरुपर्व था। उस मौके को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग का बेहला गुरुद्वारा की तरफ से सभी लोग लगा था, लेकिन अभी यूथ बेहला यूथ क्लब ने ऑर्गेनाइज़ किया है चेतन गैरेज के सामने में मोमिनपुर में। ये सभी हम लोग हर साल ही अभी लगाएंगे। अभी इसको ठंडा पानी सवील का पिलाया जाता है कि गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरुपर्व के मौके के लिए। देखा जाता है हमेशा जो है, ख़ास तौर पर अलग अलग त्यौहारों पर जो है आप लोगों की कम्युनिटी द्वारा लोगों की सेवा के लिए जो है कुछ ना कुछ लगाया जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, ये तो हमारे गुरु नानक देव जी की बख्शीश है। उन्होंने जो स्टार्टिंग किया था लंगर, तो अभी भी प्रथा वो चली आ रही है। और हमारे धर्म में ये मजहब को पहले पूरे कम्युनिटी को देखा जाता है, कोई ह्यूमनिटी को देख करके चला जाता है, कोई एक धर्म को पकड़ के नहीं चलते हैं हम लोग जो भी कोशिश करते हैं, हम लोग में जो भी भूखे हैं प्यासे हैं उनको शरबत बताया जाए, खाना खिलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे अंकल जी? तमाम यंगस्टर को यही कहना चाहता हूँ कि अभी इस लहर में जुड़ें, सब सेवा भावना से सेवा करते रहें। बोले सोनेहार। कैसा लगा आज आपको सेवा के भाव से जो काम किया गया? कैसा लगा बोलेंगे तो हम लोग को तो अच्छा ही लगता है। अब तक पब्लिक बताएगी कि कैसा लगा नहीं लगा। एक दिल में जो एक जो ये होती है सुकून मिलती है, वो अलग ही होती है। सुकून तो होता ही है। जब हम लोग संगत को शरबत पिला रहे हैं तो मन में तो सुकून है ये है। बाकी हमारे दोस्त यार हैं, हमारे यूथ हैं, हमारे बड़े भाई सब हैं, सब एक साथ में जुट के सब सेवा करते हैं। जिस तरीके से देखा जाता है एक माहौल बनता जाता है सियासी तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे लोग आते हैं और लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, चाहे वो सेवा के भाव से हो, हर तरह से, ये कितनी बड़ी जो है मजबूती बताती है भारतवर्ष में लोगों की। सबसे पहले बोलिएगा तो हम लोग में कोई सियासी आदमी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सब सेवा वाले। हम लोग को कभी भी कहीं भी अगर हम लोग की दरकार पड़ती है तो हम लोग जरूर पहुंचते हैं वहाँ। ये तो सबको पता है। सिखाता है कि सभी धर्मों को साथ लेके चलो, कोई जात पात किसी का भेदभाव नहीं है, सभी इंसान है। इंसानियत के नाते ये हम लोग सभी लंगर सेवा चलाते हैं, इसमें कोई ऊंच नीच छोटा बड़ा कोई नहीं है। हम सभी लोगों को सभी जातियों को साथ में लेके चलते हैं और भाईचारा ये पूरे संसार में फैले और ऐसे ही बाबे का लंगर सब जगह अटूट बरते। गुरु नानक जी की जो कहना था कि तमाम लोगों को एक साथ मिलकर जो मोहब्बत बांटनी है, मोहब्बत बांटी, वही ये है कि कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक पंगत में एक साथ बैठ के प्रसाद ग्रहण करें गुरु जी का, और कोई घर में किसी के भी कोई भूखा न रहे प्यासा ना रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज बेहला यूथ के जानिब से ये लंगर सेवा का प्रोग्राम ये नया नहीं है, हर साल ही यहाँ पर नौजवान भाई लोग रहते हैं। हम लोग गार्जियन यहाँ पर गुरुदीप अंकल है और सभी तमाम हम लोग जो भी टीम यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखिए ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं, ये पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में लोग जानते हैं कि सिख कम्युनिटी हमेशा से लोगों की सेवा करते आए हैं। जब हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ पर बंगला साहिब में जा करके हम लोग खाना खाते हैं, और ये
हम जहाँ जहाँ पर भी कई भी शहरों में गए वहाँ पर हर गुरुद्वारे में लंगर का इंतजाम किया जाता है, ताकि रास्ते में चलने वाले लोग या मुसाफिर लोग जिनको खाना ना मिले वो आके गुरुद्वारा में खा सकते हैं। तो ये आज यहाँ पर बेहाला यूथ की तरफ से एक मैसेज आवाम को देने चाह रहे हैं नौजवान साथी लोग कि ये लंगर का सेवा आने वाले दिन में और भी ज़ोर शोर से हो, पूरे हिंदुस्तान में ये सेवा चलता रहेगा। साथ साथ हम लोग का मोमिनपुर बेहाला गुरुद्वारा हर एक गुरुद्वारा में ये लंगर सेवा नौजवान साथी जो है वो करते रहेंगे और हम लोग हर तरीके से साथ में एक साथ मिल करके यहाँ पर खड़े हैं और ये लंगर सेवा इसी तरीके से चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हम लोग बेहाला यूथ पूरा कमेटी मेंबर्स हम लोग सब मिलके ये अपाला किया है कि कोई भी कर्म जो करना अच्छा करो, जो दान पुण्य करना है समाज के लिए करो, समाज में ऐसी प्रक्रिया चलानी चाहिए कि इससे हम लोग के और भी भाईचारे हैं जो हम लोग से मिलते हैं जुलते हैं, हम लोग से जुड़ते हैं, सेवा देते हैं, तो उनका थ्रू हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं, ये चलता रहे हमेशा। हम लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया में तो मालूम ही है पंजाबी लोग का नाम है पूरी दुनिया में, और ये तो हम लोग का गुरु नानक देव जी का पूरा खून में बसाया हुआ है कि हम लोग दान पुण्य करते रहे। हम लोग चाहते हैं हमेशा सब मिल बांट के रहे, दंगा प्रसाद ये सब लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं पड़ा हुआ है, सब भाई मिल माल के रहे, यही हम लोग कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या कहेंगे, क्या कहोगे, बोलो। हमारे पापा नाना जी बात बोलते थे, हम लोगों ने उन्हें ये सिखाया कि पहले कर्म करो, पहले कर्म करके दूसरों को पहले खिलाओ, पहले दूसरों को शरबत पिलाओ, जैसे भी है लंगर हम लोग करते हैं फिर हम लोग खुद खाते हैं। तो ये युगों युगों से चले आ रहा है ये, और ये युगों युगों से चलते आएगा। तो जिस तरीके से आप लोग तमाम आज यूथ देखा जा रहा है, तमाम यूथ खड़े हैं और सीनियर्स के सरपरस्ती में खड़े हैं, और जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि इस दुनिया में, इस हम लोग के जीवन में भाईचारा बना के रखना बहुत ही अनिवार्य है आज के माहौल में स्पेशली, क्योंकि कुछ भी छोटी मोटी बातें में हम लोग के आपस में कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए जितना हो सके हम लोग ये जो करवाएँ हैं ये एक यूनिटी के तौर पर कराया। आप थोड़ा लेट आए हैं लेकिन आप देखते यहाँ पे हम लोग के मुसलमान भाई भी आए थे, ये हिंदू भाई भी आए थे और सिख भाई तो थे ही थे। आप देखेंगे जब सेवा भी कर रहे थे ना तो मुसलमान भाई दे रहे थे, कोई गाड़ी यहाँ से जा रही थी तो बोल रही थी देखो पंजाबी लोग का ये शरबत हो रहा है, लेकिन ये क्या मुसलमान दे रहा है? तो मतलब ये यूनिटी आज हम लोग ये जगाना चाह रहे थे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा से हम लोग ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।